ओके वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स आपका चौथा चैप्टर इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट हुआ है। द नाउन जेंडर, पहले आपने सेंटेंस पढ़ा, फिर नाउन काइंड में पढ़ा, फिर नाउन नंबर में पढ़ा, अब आप नाउन जेंडर में पढ़ोगे। ठीक है, जेंडर ऑफ अ नाउन टेल्स अस वेदर अ पर्सन प्लेस और थिंग नेम्ड बाय इट इज अ मेल और फीमेल। जेंडर जो होता है वो हमको बताता है कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, उसमें यूज़ किया गया पर्सन प्लेस या थिंग जो है जिसके लिए हमने नाउन का इस्तेमाल किया है, तो वो वस्तु व्यक्ति या स्थान जो है वह मेल है या फीमेल है। ठीक है, उसका जेंडर क्या है। जैसे देखिए एग्जांपल, पहला अ बॉय इज़ मेल एंड गर्ल इज़ फीमेल। ऑफ कोर्स बॉय नाउन है, तो ये जो है आपका मस्कुलिन जेंडर हो गया, गर्ल जो है वो फीमेल फेमिनिन। फिर उसके बाद सेकेंड है स्टूडेंट कैन बी आइदर मेल और फीमेल। फिर स्टूडेंट जो है वो मेल या फीमेल दोनों हो सकता है। तो ये जो है आपका मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों में नहीं आएगा। ठीक है, दोनों में आएगा कॉमन जेंडर। ओके, अ डेस्क इज़ नाइदर ऑफ टू। और डेस्क जो है वो इन दोनों में से कोई नहीं है। जैसे लड़का जो है, लड़का या लड़की जो है मेल या फीमेल हो सकते हैं, लेकिन अभी एक स्टूडेंट की बात करें तो ना ही वो मैस्कुलिन जेंडर होगा ना ही फेमिनिन जेंडर होगा, तो वो कॉमन जेंडर हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेल भी हो सकता है, स्टूडेंट कहेंगे तो वो पुरुषवाचक भी हो सकता है और स्त्रीवाचक भी हो सकता है, तो उसको दोनों में यूज़ करेंगे तो वो कॉमन जेंडर हो जाएगा। फिर उसके बाद डेस्क इज़ नाइदर ऑफ टू। अभी अगर डेस्क की बात करें तो ना ही वो मैस्कुलिन ना फेमिनिन, मतलब वो कोई जेंडर नहीं है, वो न्यूट्रल जेंडर है। फादर इज़ मेल एंड मदर इज़ फीमेल, ये आपका फेमिनिन या मस्कुलिन दोनों में हो सकता है। मदर जो है वो फेमिनिन होगा, फादर मस्कुलिन। अब प्रिंसिपल कहेंगे तो प्रिंसिपल वो मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है, तो प्रिंसिपल जो है वो कॉमन जेंडर है। स्कूल बैग इज़ नाइदर ऑफ द टू, स्कूल बैग ना ही मस्कुलिन है ना ही फेमिनिन है, तो स्कूल बैग जो है वो न्यूट्रल जेंडर हुआ। ठीक है, काइंड ऑफ जेंडर इन इंग्लिश देर आर फोर जेंडर्स, दे आर, फर्स्ट है आपका मैस्कुलिन, सेकेंड है आपका फेमिनिन, थर्ड है आपका कॉमन जेंडर, फोर्थ है आपका न्यूट्रल जेंडर। ओके, चलिए फिर से बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, नाउन स्टैंडिंग फॉर मेल पर्सन्स आर इन द मैस्कुलिन जेंडर। जब कोई भी संज्ञा जो है वो किसी मेल पर्सन के लिए इस्तेमाल की जाती है तो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय यानी लड़का होता है, मैन यानी लड़का होता है, फादर भी एक पुरुष ही हो सकता है ना, मम्मी को थोड़ी या पापा कहोगे। अंकल चाचा होता है वो भी मैस्कुलिन जेंडर है, राजा वो भी मैस्कुलिन जेंडर है, सर्वेंट यानी नौकर वो भी मैस्कुलिन जेंडर है, डॉग यानी कुत्ता उसके लिए जो है फेमिनिन जेंडर होता है ना, तो कॉमन नहीं है, वो भी मैस्कुलिन है। हॉर्स का फेमिनिन हेयर होता है, बुल का बफेलो, कॉक उसका हैन होता है, लायनेस। ठीक है, तो ये सारे मैस्कुलिन जेंडर है। ड्रैक का फेमिनिन होता है डक। ठीक है, जो ऊपर फेमिनिन मस्कुलिन जेंडर है उन्हीं के फेमिनिन जेंडर नीचे लिखे हुए हैं। देखिए बॉय का गर्ल लिखा हुआ है, मैन का वुमन, फादर का मदर, अंकल का आंटी, किंग का क्वीन, सर्वेंट का मेड यानी नौकरानी, डॉग का बिच, डॉग यानी कुत्ता और बिच यानी कुतिया, हॉर्स मेयर, हॉर्स यानी घोड़ा, मेयर यानी घोड़ी, बुल काऊ, बुल यानी बैल, काऊ यानी गाय, कॉक यानि मुर्गा, हैन यानि मुर्गी, लायन यानि शेर, लायनेस यानि शेरनी, ड्रैक यानि बदक, नर बत्तख, और डक यानि मादा बत्तख। कॉमन जेंडर आप देख सकते हैं ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल हम औरत या आदमी दोनों के लिए कर सकते हैं, मतलब वो चीज़ जो है औरत भी हो सकता है आदमी भी। जैसे टीचर आप कहते हो तो आपका टीचर जो है मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं ना, दैट इज़ ऑफ कॉमन जेंडर। डॉक्टर कहते हो, वकील कहते हो, रिसेप्शनिस्ट कहते हो, गायक कहते हो, सिंगर का सिंगरेस तो नहीं होता ना, सिंगर दोनों के लिए कहते हो, मेल सिंगर फीमेल सिंगर, उसके लिए अलग से आपको मेल फीमेल लगाना पड़ता है, अदरवाइज सिंगर कहोगे तो वो दोनों के लिए यूज़ हो सकता है।
आपके कॉमन जेंडर की परिभाषा देखिए, सम ऑफ द नाउन्स इंडिकेट पर्सन एटसेट्रा इन कॉमन, दे कैन बी आइदर मेल और फीमेल, दस दे आर इन कॉमन जेंडर। देखिए, टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, मैनेजर है, क्लर्क है, लेबरर है, मेंबर है, इंजीनियर, लीडर, सिंगर, पपिल, रिसेप्शनिस्ट, ये सारे के सारे आपके चाहे महिला हों या पुरुष हों, आप ये शब्द उनके लिए एज इट इज़ इस्तेमाल करते हो, ठीक है, इसलिए आपका कॉमन जेंडर है। और लास्ट फाइनल आपका है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं है, ठीक है, बेजान चीज़ों के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स बिलोंग टू द न्यूट्रल जेंडर, दीज आर नाइदर मेल और फीमेल, ना ही ये पुरुषवाचक होती है ना ही स्त्रीवाचक, स्त्रीलिंग, पुलिंग या स्त्रीलिंग कुछ नहीं होती। दस नाउन्स नेमिंग थिंग्स एंड प्लेसेस आर यूजुअली इन द न्यूट्रल जेंडर, किसी वस्तु के लिए या स्थान के लिए जब नाम इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी राउड का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो न्यूट्रल जेंडर होता है। जैसे टेबल, टेबल ना ही पुरुष है ना ही स्त्री है। चेयर यानी कुर्सी, कप, बुक, पेन, बैग, स्कूल, हॉर्स, ओ सॉरी हाउस, पार्क, हॉस्पिटल, बैंक और शॉप। चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हुआ है, एक्सरसाइज आपको कल कराई जाएगी। ओके, गुड बाय क्लास।